देखिए काफी अच्छी भुनाई हो गई गोश्त की। अब इसमें ऐड करेंगे गोभी, वॉश कर लिया अच्छी तरह से। डिश आउट कर लिया मजेदार सा गोभी गोश्त। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, ये इतने मजे का बनता है। एक बार आप इस तरह से बनाएंगे तो काफी पसंद किया जाएगा। मेरे शायद से एक नब्बे किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ गोभी गोश्त। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गोश्त, इसे अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। आधे किलो लिया है फूल गोभी, इसे भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। मसालों में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज का टमाटर। तड़के के लिए मैंने लिया है गरम मसाला, लौंग, काली मिर्च, जायफल जावित्री, 1/2 छोटे चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्चें जो इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, 1 मीडियम साइज की प्याज, ये भी मैंने बारीक कट कर लिए हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लें, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया। इसमें ऐड कर लेंगे प्याज को, फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज हल्के से फ्राई हो गई है, देखिए हल्का सिर्फ बस यही कलर चाहिए। अब इसमें ऐड कर लेंगे गरम मसाला, इसमें ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। एक मिनट की भुनाई कर लेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट की हाई फ्लेम पर। इसमें ऐड करेंगे बाकी मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी, नमक। इन सभी मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। भुनाई काफी अच्छी हो गई है, इसमें ऐड कर लेंगे गोश्त। तकरीबन 1 मिनट की भुनाई कर लेंगे मसाले में गोश्त को इस तरह से हाई फ्लेम पर। टमाटर भी ऐड कर लेंगे, 30 सेकंड की भुनाई कर लेंगे टमाटर की हाई फ्लेम में रखा है मैंने गैस को। भुनाई की काफी अच्छी हो गई, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे, मैंने 1/2 कप पानी ऐड करा है। हल्का से मिक्स कर देंगे। हाई फ्लेम पर 3 विसल लगाएंगे, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे, फिर चेक करते हैं गोश्त अच्छी तरह से गला है या नहीं। 3 से 4 विसल लगा लेते मैंने हाई फ्लेम पर, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम करा था। आइए चेक कर लेते हैं। चेक कर लेंगे इसको, चेक कर लेंगे। ये देखिए काफी सॉफ्ट हो गया है। गोश्त की हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे, देखिए काफी अच्छी भुनाई हो गई गोश्त की। अब इसमें ऐड करेंगे गोभी, मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से। आधा कप पानी ऐड कर लेंगे,
पानी में बस इतना ही ऐड करना जिससे कि गोभी गल जाए। हाई फ्लेम पे दो विसल लगा लेंगे, दो विसल के बाद में चेक कर लेंगे कि गोभी अच्छी तरह से गला है या नहीं। आइए चेक कर लेंगे दो विसल के बाद। पीस चेक कर लेंगे गोभी का, देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है और एकदम खड़ा है, घुटा भी नहीं है। अब इसकी डिश आउट कर लेंगे, ये बनके एकदम तैयार है। डिश आउट कर लिया मजेदार सा गोभी गोश्त, ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। ये इतने मजे का बनता है, एक बार आप इस तरह से बनाएंगे तो काफी पसंद किया जाएगा। ये काफी फेमस रेसिपी है गोभी गोश्त की, ना गोभी घुटा है ना ज्यादा गला है, परफेक्ट एकदम कुक हुआ है गोभी। एक बार आप जरूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज नबिया किचन रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको ये मेरी नई रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।